गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम जीएसटी में आपका एक न्यू चैप्टर बेटा शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 4 जो है, नाम है बेटा चैप्टर का टाइम ऑफ सप्लाई। बेटा पहले मैं आपसे ना थोड़ा सा केस ये डिस्कस करूंगा कि टाइम ऑफ सप्लाई का यूज बेटा क्या है, और बेटा जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई का महत्व बेटा बहुत ज़्यादा है। क्या मैं आपको थोड़ा सा बेटा डिस्कस करूंगा और मेरे साथ साथ हेडिंग पहले लिखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई हेडिंग लिख लो बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, इसमें ना हम पहले डिस्कस करेंगे नीड, नीड फॉर डिटरमाइनिंग, नीड फॉर डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई। हम टाइम ऑफ सप्लाई क्यों निकालते हैं, मतलब क्या है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई का, नीड फॉर डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का जीएसटी में रेलेवेंस क्या है, मतलब क्या है टाइम ऑफ सप्लाई का, निकाल क्यों रहे हैं बेटा टाइम ऑफ सप्लाई। सुनो मेरी बात बेटा ध्यान से। बेटा आपको अच्छी तरह पता है जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट बेटा किसको माना गया है, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई को माना गया है। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट बेटा किसको माना गया है, सप्लाई को। मेरी बात बेटा ध्यान से सुनिए, क्या मतलब था बेटा इसका। मैंने आपको बताया था कि टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब होता है, ऐसी कौन सी घटना घटित हो कि हम ये कह सकें कि आपके ऊपर जीएसटी लग गया। ठीक है, ऐसी कौन सी घटना घटित हो, ऐसा कौन सा इवेंट अकर करे कि हम ये कह सकें कि आपके ऊपर जीएसटी लग गया। और बेटा वो इवेंट कौन सा था, सप्लाई। तो ऐसा कौन सा इवेंट अकर करे कि हम कह सकें कि आपके ऊपर जीएसटी लग गया, और उस इवेंट का नाम था सप्लाई। अब सुनना मेरी बात बेटा, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है बेटा, जीएसटी में ना जहां तक कि गुड्स की मैं बात करूं, सिर्फ एक समझाने के लिए बेटा एग्जांपल ले रहा हूं आपसे, जहां तक कि हम गुड्स की बात करें तो गुड्स के साथ ना बेटा काफी सारे इवेंट्स रिलेटेड होते हैं, काफी सारे बेटा। जैसे जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ, ठीक है, जिस दिन गुड्स का फैक्ट्री से रिमूवल हुआ, ठीक है, जिस दिन गुड्स का कस्टमर को, रेसिपिएंट को डिस्पैच हुआ, या सॉरी मैं बोलता हूँ डिलीवर हुए, जिस दिन कस्टमर को वो गुड्स डिलीवर हुए, ठीक है, और जिस दिन बेटा आपको पेमेंट रिसीव हुई, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुई, तो बेटा काफी सारे इवेंट्स होते हैं जो बेटा गुड्स के रिलेशन में होते हैं। जैसे इनवॉइस, सपोज मैं थोड़ा सा अगर आपको डेट देख के बताऊं एग्जांपल के तौर पे,
इनवॉइस बेटा इशू हुआ से 31 मई को, 31 मई को इनवॉइस इशू हुआ। रिमूवल गुड्स का फैक्ट्री से हुआ 5 जून को, ठीक है, डिलीवर हुए 15 जून को और पेमेंट रिसीव हुई 5 जुलाई को। तो बेटा दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, बात समझना बेटा, दिक्कत क्या है कि हम जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ 31 मई को, उस दिन माने कि सप्लाई हो गई, ठीक है, या जिस दिन गुड्स का फैक्ट्री से रिमूवल हुआ उस दिन माने कि हम सप्लाई हो गई, या जिस दिन गुड्स डिलीवर हो गए हम उस दिन माने कि सप्लाई हो गई, या बेटा आपको कस्टमर से जब पेमेंट रिसीव हुई 5 जुलाई को हम उस दिन माने कि सप्लाई हो गई। क्योंकि जिस दिन आप ये मानोगे ना कि सप्लाई हुई बेटा, आपके ऊपर उसी डेट को जीएसटी क्या होता है, लेवी। तो मेरी बात समझो, टाइम ऑफ सप्लाई में हमें यही पढ़ना है बेटा, सप्लाई कौन सी डेट को हुई क्या माने। इनवॉइस जिस दिन इशू हुआ उस दिन माने सप्लाई हो गई, या जिस दिन गुड्स फैक्ट्री से रिमूव हुए उस दिन माने सप्लाई हुई, या जिस दिन गुड्स कस्टमर को डिलीवर हुए उस दिन माने सप्लाई हुई, या जिस दिन आपको फाइनल पेमेंट रिसीव हुई कस्टमर से उस दिन माने सप्लाई हुई। क्योंकि बेटा जिस दिन सप्लाई मानोगे ना, जिस डेट को सप्लाई मानोगे उस डेट पे बेटा जीएसटी क्या होता है, लेवी। तो बेटा आपको ना टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर यही बताएगा कि हमें सप्लाई कौन सी डेट को सप्लाई मानना है, जिस दिन इनवॉइस इश्यू हुआ, या जिस दिन रिमूवल हुआ, या जिस दिन गुड्स डिलीवर हुए, या जिस दिन पेमेंट आपको कस्टमर से रिसीव हुई। जिस डेट को आप मानोगे ना बेटा सप्लाई, उस डेट को बेटा जीएसटी आपके ऊपर क्या होता है, लेवी। ठीक है, तो मैं ना एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैं सपोज कहता हूं हम इस डेट को 31 मई को मानेंगे कि सप्लाई हुई, तो 31 मई बेटा कहलाता है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई कब हुई है, 31 मई, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ हम उस डेट को मान रहे हैं कि क्या हुई है बेटा, सप्लाई। ठीक है, तो बच्चे आप एक बात अगर देखें ना, अब मैंने बताओ कौन सी डेट को बेटा माना सप्लाई हुई 31 मई। एक कंसेप्ट बेटा और है, जीएसटी में जो पेमेंट होती है ना टैक्स की, वो बेटा मंथली बेसिस पे होती है, मतलब सरकार के पास आपको मंथली बेसिस पे टैक्स जमा करवाना है। तो अगर आप ये मानते हो कि सप्लाई 31 मई को हुई, इनवॉइस वाली डेट को हुई सप्लाई, तो आपको इसका टैक्स जमा करवाना पड़ेगा बेटा 20 जून तक। आपको जमा करवाना होता है अगले महीने की 20 तारीख को। तो जिस डेट को आप सप्लाई मानोगे ना, जीएसटी जमा होगा उसके अगले महीने की 20 तारीख को। अच्छा, अगर मैं मानता हूं बेटा इस डेट को अगर मैं सप्लाई मानता हूं 5 जून को, तो बेटा जीएसटी जमा होगा। अगर मैं इसे 5 जून को मैं टाइम ऑफ सप्लाई मानता हूं, यानी जिस दिन गुड्स का रिमूवल हुआ, तो जीएसटी जमा होगा अगले महीने की 20 तारीख को, मतलब 20 जुलाई को आपको जीएसटी जमा करना है। ठीक है, अगर मैं मानता हूं इस डेट को बेटा टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन गुड्स डिलीवर हुए, तो बेटा जीएसटी इसका भी जमा होगा अगले महीने की 20 तारीख, मतलब 20 जुलाई तक। ठीक है, और अगर मैं 5 जुलाई को बेटा टाइम ऑफ सप्लाई मानता हूं, जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई है, तो बेटा जीएसटी जमा होगा अगले महीने की 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक। तो बेटा बात समझो,
टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ, कौन सी डेट को आप मानोगे कि सप्लाई हो गई। इनवॉइस वाली डेट को मानोगे सप्लाई हुई, जिस दिन गुड्स रिमूव हुए फैक्ट्री से उस डेट को मानोगे सप्लाई हुई, या गुड्स जब डिलीवर हुए उस डेट को मानोगे सप्लाई हुई, या जब पेमेंट रिसीव हुई उस डेट को मानोगे सप्लाई हो गई। तो बेटा याद रखना, सप्लाई कौन सी डेट को मानी जाएगी, बेटा कौन सी डेट को मानी जाएगी, ये हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइम ऑफ सप्लाई में। और जिस डेट को आप टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे ना, पेमेंट जीएसटी की अगले महीने की 20 तारीख तक आपको गवर्नमेंट के खाते में करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये रूल्स हम बेटा टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे। मैं एक बार आपको बेटा सम अप और करता हूं, कॉपी करो बेटा पहले यहां तक। तो बेटा आपको अच्छी तरह पता है कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। लेकिन प्रॉब्लम है सप्लाई कौन सी डेट को हो गई, क्या मानोगे। जिस दिन इनवॉइस इश्यू होती है उस दिन माने सप्लाई हुई, जिस दिन रिमूवल होता है गुड्स का फैक्ट्री से उस डेट को माने सप्लाई हुई, या जब कस्टमर को डिलीवर होते हैं गुड्स तब माने सप्लाई हुई, या जब पेमेंट रिसीव होती है कस्टमर से उस डेट को माने सप्लाई हुई। तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर आपको यही बताएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई कौन सी डेट को हुई, क्या माना जाए, ये आपको बताएगा बेटा टाइम ऑफ सप्लाई। और जो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी ना, जीएसटी आपको जमा अगले महीने की 20 तारीख तक करवाना पड़ेगा। लो बेटा कॉपी करो, फिर हम करना शुरू करते हैं। तो बेटा याद रखना, अगर आप इनवॉइस की डेट को मानते हो कि जिस दिन इनवॉइस इश्यू हुआ समझो सप्लाई हो गई, तो एक बात समझ लेना बेटा, आपके ऊपर 31 मई को जीएसटी क्या हो गया, लेवी। तो आपको वो जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा अगले महीने की 20 तारीख तक, मतलब 20 जून तक आपको वो जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप मानते हो 5 जून को सप्लाई हुई तो जीएसटी आपके ऊपर लेवी होता है 5 जून को, आपको जमा करवाना पड़ेगा अगले महीने की 20 तारीख तक, मतलब 20 जुलाई। अगर आप मानते हो 15 जून को सप्लाई हुई यानी जिस दिन गुड्स डिलीवर हुए, तो आपके ऊपर जीएसटी लेवी 15 जून को करता है, तो आपको जमा अगले महीने की 20 तारीख तक करवाना है यानी 20 जुलाई तक। और अगर आप ये मानते हो कि जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई 5 जुलाई को उस दिन सप्लाई हुई, तो आप जीएसटी जमा करवाओगे अगले महीने की 20 तारीख, मतलब 20 अगस्त तक। तो आपको ना टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर यही बताएगा कौन सी डेट को माना जाए कि सप्लाई हो गई, क्योंकि जिस डेट को माना जाएगा सप्लाई हो गई उस डेट को बेटा आपके ऊपर जीएसटी क्या होता है, लेवी होता है। ठीक है, करें बेटा आप शुरू, आ जाओ मेरे साथ साथ। देखो बेटा, बेटा अब हम ना इस चैप्टर में हम टाइम ऑफ सप्लाई के बेटा जो रूल्स पढ़ेंगे ना, वो गुड्स के अलग पढ़ेंगे और सर्विस के रूल्स हम अलग पढ़ेंगे। गुड्स के रूल्स तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 में, और सर्विसेज के रूल्स हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 में। तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में गुड्स के रूल्स सेक्शन 12 में स्पेसिफाइड हैं और सर्विसेज के रूल्स सेक्शन 13 में स्पेसिफाइड हैं। आओ मेरे साथ साथ, पहले हम पढ़ेंगे रूल्स गुड्स के। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12,
हेडिंग लिखो, फिर हम एक चार्ट बनाएंगे। बेटा इसमें हमें कौन कौन से केस पढ़ने हैं? तो बेटा इसमें हमें टोटल चार केसेस पढ़ने हैं। टोटल चार केसेस बेटा पढ़ेंगे। पहला तो है फॉरवर्ड चार्ज, पहला है फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा रिवर्स चार्ज, ठीक है, तीसरा सप्लाई ऑफ वाउचर्स, तीसरा सप्लाई ऑफ वाउचर्स, और फोर्थ इंटरेस्ट कॉमा लेट फीस एटसेट्रा, इंटरेस्ट कॉमा लेट फीस पेनल्टी एटसेट्रा। फिर बेटा फॉरवर्ड चार्ज में हम तीन केसेस पढ़ेंगे। फॉरवर्ड चार्ज में फॉरवर्ड चार्ज में बचे हम तीन केसेस पढ़ेंगे। पहला तो है नॉर्मल केस, पहला है नॉर्मल केस, सेकंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस, और तीसरा है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। बना लो बेटा ये चार्ट। तो ये सब केसेस बेटा हमें पढ़ने हैं। पहला हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड चार्ज का नॉर्मल केस, फिर फॉरवर्ड चार्ज का कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, फिर फॉरवर्ड चार्ज का सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, फिर रिवर्स चार्ज, फिर सप्लाई ऑफ वाउचर्स, और फिर इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस एटसेट्रा। तो टोटल बेटा छः केसेस हमें पढ़ने हैं गुड्स के केस में। कॉपी कर लो बेटे, फिर करना शुरू करते हैं। करना शुरू करें बेटे। देखो रूल्स सिंपल हैं बेटा, बस थोड़ा ध्यान से बस चलना है मेरे साथ साथ, ठीक है? आओ मेरे साथ साथ बेटे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बेटा फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज कुछ बातें बेटा थोड़ी सी याद रखने वाली हैं। फॉरवर्ड चार्ज थोड़ी सी ना इस चैप्टर में बेटा बातें याद रखने वाली हैं। इसमें हम तीन केस पढ़ेंगे। पहला है नॉर्मल केस, पहला है नॉर्मल केस, सुनना बेटा ध्यान से जो मैं कहूंगा। बेटा नॉर्मल केस में ना, नॉर्मल केस में बेटा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, नॉर्मल केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा 1 DR। तीनों में से जो भी बेटा अर्लियर है, आई
डी आर, तीनों में से जो भी आपका अर्लियर है। लिखो पहले फिर समझते हैं। तीनों में से जो भी आपका अर्लियर है बेटा, व्हाट डज आई मीन? आई मीन्स बेटा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। आई मीन्स डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो आई का मतलब है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ। व्हाट डज डी स्टैंड फॉर? ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, तो डी स्टैंड्स फॉर ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस एंड आर स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड आर स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपको पैसा मिला, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। बेटा अभी सब समझते हैं, पहले लिखो इसे। अब बेटा जो डी है ना, उसे बच्चे दो पार्ट्स में डिवाइड करना। डी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना बेटा। इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, और फिर इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अच्छा बेटा, इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसमें लिखना डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ रिमूवल। अच्छा, इफ देयर इज नो मूवमेंट, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू रेसिपियंट, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू रेसिपियंट। चलो बेटा कॉपी करो इसे, फिर समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, कॉपी कर लो बेटा, फिर मैं आपको बेटा समझाना शुरू करता हूं। समझे बेटे? देखो, पता है बच्चे, अब आपने फॉरवर्ड चार्ज, बेटा मैंने आपको पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज एंड व्हाट इज रिवर्स चार्ज। तो आपको पता है बेटा, फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी टू पे,
मतलब सरकार तक जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? सप्लायर की होती है। तो लायबिलिटी टू पे इज ऑफ सप्लायर। हाँ, रिवर्स चार्ज में सरकार तक जीएसटी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? रेसिपिएंट की। तो फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी टू पे इज ऑफ सप्लायर। किसकी जिम्मेदारी है बेटा? सप्लायर की। ठीक है बेटा, इसमें ना मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से समझनी है। इसमें बेटा फॉरवर्ड चार्ज पे ना मैंने आपको यहां पर देखो, फॉरवर्ड चार्ज में मैंने आपको बेटे तीन केस लिखवाए हैं, नॉर्मल, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। ये दोनों तो हैं बेटा स्पेशल केसेस, ये तो स्पेसिफिक केसेस हैं बेटा। तो अगर आपकी सिचुएशन इन दो स्पेसिफिक केसेस में फॉल करती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो बेटा आप फर्स्ट केस में फॉल करोगे। तो ये दोनों तो हैं स्पेसिफिक केसेस, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही अप्लाई करेंगे। तो अगर आप सेकंड या थर्ड में फॉल करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट में नॉर्मल केस में आप फॉल करोगे। ठीक है, आप सुनना बेटा, बहुत सिंपल है, मेरी बात सुननी है। देखो एग्जांपल लिखो, केस वन, इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, If there is movement of goods, तो इसमें बेटा कुछ dates लिखो, कुछ columns बनाना। पहला date of issue of invoice, पहला column date of issue of invoice लिखते जाओ मेरे साथ साथ। दूसरा column बनाना बेटा date of removal ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, फिर एक बनाना डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फिर एक बनाओ डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, और फिफ्थ बनाना टाइम ऑफ सप्लाई। ये पांच कॉलम्स बना लो बेटा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट और टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो अब बेटा ध्यान से सुनो, केस वन जो अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा, नॉर्मल केस कर रहे हैं अभी हम, नॉर्मल केस का केस वन, इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। बेटा वैसे एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा गुड्स का मूवमेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस में गुड्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोस्ट ऑफ द बेटा मेजॉरिटी केसेस में गुड्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपिएंट। हां, कई बार बेटा, कई बार गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सुनो बेटा, यहां पर आओ बेटा, बहुत सिंपल बातें हैं, मेरी बात ध्यान से सुननी है। एग्जांपल देता हूं, इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, मेजॉरिटी केसेस में तो मूवमेंट होता है ना फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपिएंट, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे बेटा लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, हैवी मशीनरी। तो बेटा पता है, अगर आप ये सोचो कि
जो लिफ्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे बेटा लिफ्ट का, लिफ्ट की एक मैन्युफैक्चरर है जो लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स बेटा मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी है बेटा शिंडलर। कंपनी का नाम है शिंडलर। आपको पता है बेटा ये शिंडलर जो है ये लिफ्ट्स बना के आपके यहाँ इंस्टॉल करती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्या बेटा लिफ्ट कोई ऐसी चीज है, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, क्या लिफ्ट्स एस्केलेटर्स कोई ऐसी चीज है जो सप्लायर अपनी फैक्ट्री से उठाएगा, आपके यहाँ लेके जाएगा और वहां पर इंस्टॉल कर देगा? क्या लिफ्ट्स एस्केलेटर्स कोई ऐसी चीज है बेटा? नहीं बेटा, लिफ्ट्स का बेटा मूवमेंट नहीं होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पता है बेटा लिफ्ट्स का इंस्टॉलेशन कैसे होता है? लिफ्ट्स के ना स्पेयर पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को क्लाइंट की साइट पे लेके जाया जाता है और वहीं पर बेटा लिफ्ट्स को इंस्टॉल किया जाता है। तो लिफ्ट ऐसी नहीं है कि वो शिंडलर कंपनी के यहां से पूरी बनी बनाई जाएगी, क्लाइंट के पास जाएगी और वहां पर इंस्टॉल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है बेटा। लिफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो लेके जाए जाते हैं क्लाइंट की साइट पे और वहां पर जाके उन पार्ट्स को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। सेम गोज फॉर एस्केलेटर्स बेटा। मॉल्स मल्टीप्लेक्सेस में आपने एस्केलेटर्स देखे हैं, क्या एस्केलेटर्स को बेटा एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना पॉसिबल है? नो बेटा, द आंसर इज नो। क्या होता है फिर बेटा? एस्केलेटर्स के पार्ट्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जाते हैं और क्लाइंट की साइट पे जाके, मॉल पे जाके, मल्टीप्लेक्स में जाके उनको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। ऐसे ही बेटा बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, क्या आपको लगता है बेटा उन बड़ी बड़ी मशीनरीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना पॉसिबल है बना के? नहीं बेटा, उनके पार्ट्स ले जाए जाते हैं और क्लाइंट की साइट पे जाके उन्हें क्या किया जाता है बेटा, इंस्टॉल। तो आपने बेटा समुंदर में देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज इंस्टॉल होती हैं जो मिनरल्स, नेचुरल गैसेस एक्सट्रैक्ट करती हैं बेटा पानी के नीचे से। क्या इतनी बड़ी मशीनरीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना पॉसिबल है? नहीं बेटा, इन्हें वहीं पर इंस्टॉल किया जाता है, पार्ट्स लेके जाए जाते हैं और वहीं पर जाके इन्हें क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है सबको। तो बेटा एक बात याद रखना, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो गुड्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उन्हें क्लाइंट की साइट पे ही क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। तो अब बताओ, एक ही जगह पे पार्ट पड़े हैं, वहीं पर इंस्टॉल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पार्ट्स लेके जाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेकिन चीज का इंस्टॉलेशन वहीं पर होता है उसी वक्त, पक्का? तो मूवमेंट नहीं होता इन केस ऑफ लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और हैवी मशीनरी। अब मेरी बात जरा बेटा सुनना जो मैं कहूंगा, सुनो बेटा, देखो अब इमेजिन करो बेटा मैं सप्लायर हूं, आप बेटा रेसिपिएंट हो, ठीक है? आपने मुझसे कुछ सामान खरीदा, मैंने आपको बेटा क्या इशू करा, इनवॉइस इशू करा मैंने, पता है कौन सी तारीख को बेटा, 1 नवंबर को मैंने आपको क्या इशू करा, इनवॉइस, ठीक है? तो इस 1 नवंबर को मैं कहूंगा आई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आई। अच्छा अब बेटा सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 कहता है अगर गुड्स में, ध्यान से सुनना, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, अगर गुड्स में मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड, इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो सुनो, उन्होंने कहा है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ने कहा है अगर गुड्स में मूवमेंट है तो इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड
टिल द डेट ऑफ रिमूवल. तो एक बात सुनो, सपोज बेटा रिमूवल हो रहा है से 5 नवंबर को, ठीक है. तो बेटा ये 5 नवंबर पता है क्या है, डी मतलब डेट, ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब इस डेट तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था. दिस इज डी. बात समझ आई बेटा? ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको क्या कहती है बेटा, सुनो, गवर्नमेंट कहती है अगर गुड्स में मूवमेंट है तो रिमूवल की डेट तक आपको इनवॉइस इश्यू करना ही करना है. तो मतलब 5 नवंबर तक मुझे इनवॉइस इश्यू करना ही करना है जो भी हो जाए बेटा. तुम्हें को बताओ, दो डेट्स आ गई, आई मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डी मतलब ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस. और ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या है, डेट ऑफ रिमूवल. दो डेट्स आई बेटा, ठीक है. अब ध्यान से, अब बेटा सुनो यहां पर देखो, मेरे पास बच्चे आई आ गया, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मेरे पास डी आ गया ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस. अब तीसरा आता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. सुनना बेटा, बेटा एक बात सुनो, मेरी बात सुनना, मेरा जो क्लाइंट था ना, जो रेसिपिएंट था, उसने बेटा मुझे चेक दिया, ठीक है, चेक दिया उसने मेरे को से फॉर एग्जांपल 10 नवंबर को. तो मेरे क्लाइंट ने मुझे 10 नवंबर को क्या दिया, चेक, ठीक है. मैंने क्या करा, जिस दिन चेक मिला मैंने बेटा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर ली. तो देखो, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बेटा किस दिन मिला था चेक, 10 तारीख को, तो मैंने 10 नवंबर को अपनी बुक्स में एंट्री पास कर ली, ठीक है. अब बेटा चेक था अकाउंट पे ही, ठीक है, मैंने उसे बैंक में जमा करवाया. तो आपको पता है बैंक में एंट्री होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है. तो डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, बैंक में वो पैसा क्रेडिट हुआ 13 नवंबर को. अब यहां पर एक बेटा दिक्कत क्या आ गई, सुनो बेटा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट किसको माना जाए, कौन सी डेट को ये माना जाए कि पेमेंट रिसीव हो गई, जिस दिन बेटा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करी उस डेट को मानू कि पेमेंट रिसीव हो गई, या जिस दिन वो चेक बैंक में क्रेडिट हुआ उस दिन मानू कि पेमेंट रिसीव हो गई. बात समझ आई बेटा? दो बुक्स होती हैं आपने बीआरएस में पढ़ा हुआ है, कैश बुक और पासबुक. अब बताओ कैश बुक में, मेरी बुक्स में एंट्री कब हो गई, 10 नवंबर को, लेकिन बैंक की बुक्स में यानी पासबुक में एंट्री हुई 13 नवंबर को. तो रिसिप्ट कौन सी डेट की मानू मैं, 10 तारीख की मानू या 13 तारीख की मानू, कौन सी डेट को मानू कि रिसिप्ट हो गई. तो फिर से बेटा लॉ ने कहा इन दोनों में से जो भी बेटा अर्लियर है ना उसको मान लो रिसिप्ट हो गई, जो भी अर्लियर है. तो मुझे बताओगे बेटा अर्लियर कौन सा है, ये अर्लियर है, तो हम मानेंगे रिसिप्ट 10 तारीख को हुई ना कि 13 तारीख को, दोनों में से जो भी पहले हो. अब आप ये कहो कि सर ऐसे तो हमेशा यही डेट पहले आएगी क्योंकि पहले चेक मिलेगा बाद में क्रेडिट होगा. मैं उसका एग्जांपल आपको बेटा नेक्स्ट वही दूंगा. पहले बताओ बात समझ आई, रिसिप्ट कौन सी डेट को हुई क्या मानूं, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई मतलब जिस दिन कैश बुक में एंट्री हुई, या जिस दिन बैंक में वो पैसा क्रेडिट हुआ मतलब पासबुक में एंट्री हुई. तो लॉ कहता है दोनों में से जो भी क्या होगा पहले, और इस केस में पहले है जिस दिन कैश बुक में एंट्री हुई मतलब 10 तारीख. सुनो अब बेटा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, आई डी आर, दोनों में तीनों में से इनफैक्ट जो भी बेटा पहले है अर्लियर है. तो आई है 1 नवंबर, डी है 5 नवंबर, आर है 10 नवंबर. कौन सा पहले है बेटा, 1 नवंबर.
तो 1 नवंबर को बच्चे माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। मेरे ख्याल से बच्चे बात समझ आई, क्लियर हुआ। तो सिंपल टाइम ऑफ सप्लाई का रूल बताया भी फिलहाल बेटा, आई डी आर तीनों में से जो भी पहले है। अभी कॉपी करो पहले इतना, फिर एक और एग्जांपल देता हूं बेटा। चलो अब सुनो, थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज। मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो। आपने मुझसे कुछ सामान खरीदा, मैंने आपको 1 नवंबर को दिया इनवॉइस, इनवॉइस दिया 1 नवंबर को। गुड्स का रिमूवल हुआ 5 तारीख को, तो बताओ ये 5 नवंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। लॉ कहता है आपको इनवॉइस ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तक, डेट ऑफ रिमूवल तक इशू करना ही करना है। मतलब आपको इनवॉइस डेट ऑफ रिमूवल तक इशू करना ही करना है। तो ठीक है, मैंने तो 1 नवंबर को कर दिया है ना, तो करना था 5 नवंबर तक, मैंने कर दिया 1 नवंबर को, बात खत्म। बात समझ आई? ठीक है, अच्छा अब सुनो हुआ क्या, चेंज कर रहा हूं अब। अब बेटा मेरे क्लाइंट ने ना, आपने मुझे पेमेंट चेक के थ्रू नहीं दी बेटा, आपने मेरे अकाउंट में, आपने मेरे अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करवाया। तो अब सुनो, अब आपने मेरे अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करवाया, तो मेरे अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर करवाया 10 नवंबर को, वो तो हाथ के हाथ ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन बेटा हुआ क्या, मुझे आपने इंटीमेशन नहीं दिया, आपने मुझे नहीं बताया कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराया, ना इस बात का मुझे बैंक ने बताया। वो तो मैंने 3 दिन के बाद जब अपनी पासबुक को अपडेट करवाया तो मुझे पता चला कि आपने मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाया है। और बेटा मुझे कब पता चला, 3 दिन बाद जब मैंने अपनी पासबुक अपडेट करवाई, तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ एंट्री, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब करी बेटा, 13 तारीख को। मतलब बैंक अकाउंट में पैसा पहले ट्रांसफर हुआ और मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री उसकी बाद में आई। अब बताओ इन दोनों में से बेटा, इन दोनों में से बताओ आर किसको मानोगे, कौन सी डेट को मानोगे कि रिसिप्ट हुई, विच एवर इज अर्लियर। मतलब जिस दिन बैंक अकाउंट में एंट्री हुई उसको मैं मानूंगा आर। तो 10 नवंबर को बेटा हम आर मानेंगे। पहले बताओ, बात समझ आई? ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा आई 1 नवंबर, डी 5 नवंबर, आर 10 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो 1 नवंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई। मेरे ख्याल से बच्चे यहां तक केस क्लियर हुआ। तो टाइम ऑफ सप्लाई बेटा अभी नॉर्मल केस का केस 1 किया है, व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, और रूल सिंपल है, आई डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डी ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस विच इज द डेट ऑफ रिमूवल, एंड आर, आर कौन सा होगा, जिस दिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई या जिस दिन बैंक की बुक्स में एंट्री हुई, दोनों में से जो भी क्या है अर्लियर। तो आई डी आर विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। बताओ बेटा समझ आया, ये आपका केस 1। कॉपी करो बेटा, फिर आपको केस 2 कराता हूं। केस 2, इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे बेटा लिफ्ट्स के केस में होता है, एस्केलेटर्स के केस में होता है, हैवी मशीनरी के केस में होता है, इन चीजों का मूवमेंट नहीं होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इनके पार्ट्स लेके जाए जाते हैं और वहीं पर क्लाइंट के प्रेमाइसिस पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। इनका मूवमेंट बेटा पॉसिबल नहीं है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है मेरे ख्याल से। आओ बेटा कुछ कॉलम्स बनाते हैं। पहला, डेट ऑफ
इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, ये पहला। फिर बनाओ डेट ऑन विच। अच्छा, इन गुड्स का बेटा रिमूवल होना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपियंट, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपियंट। फिर डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। फिर डेट ऑफ एंट्री इन बैंक स्टेटमेंट, डेट ऑफ एंट्री इन बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक अकाउंट, और टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है बच्चे, तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं उन गुड्स की जिनका मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, मूवमेंट होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। चलो करें, सपोज बेटा बात वही है, बेटा सेम बात है, सेम रूल क्या चलेगा, आई डी आर विच एवर इज अर्लियर। तो सुनो, सपोज आई है 1st नवंबर, इनवॉइस इशू हुआ 1st नवंबर को, ठीक है, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, मतलब जिस दिन आपने लिफ्ट को, एस्केलेटर को, हैवी मशीनरी को इंस्टॉल कर दिया, बेटा जिस दिन आपने इंस्टॉल कर दिया ना, उस दिन गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। और सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 कहता है जिस दिन आपने गुड्स रेसिपिएंट को अवेलेबल करा दिए ना, मतलब इंस्टॉलेशन कर दिया, उस दिन तक आपको इनवॉइस इशू करना ही करना है। और मैंने बेटा 5 नवंबर को गुड्स अवेलेबल करवा दिए रेसिपिएंट को, तो ये क्या बन गया, डी, इस डेट तक आपको इनवॉइस इशू करना ही करना है, ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, ठीक है। और रही बात बेटा इनकी, तो इनके लिए रूल वही चलेगा, मेरे क्लाइंट ने मुझे पेमेंट चेक से करी, चेक मिलते ही मैंने अपने कैश बुक में एंट्री कर दी 10 तारीख को, लेकिन बैंक में पैसा क्रेडिट होने में 3 दिन का समय लग गया, तो बैंक में एंट्री हुई 13 तारीख को, इनमें से जो भी अर्लियर है उसे आर माना जाएगा, तो 10 तारीख को डेट ऑफ रिसिप्ट माना जाएगा। तो बेटा आई 1st नवंबर, डी 5 नवंबर और आर 10 नवंबर, तीनों में से जो भी पहले है, मतलब 1st नवंबर को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करें, आ जाओ बेटा, सपोज बच्चे मैंने इनवॉइस इशू करा, यहां पर देखना, मैंने इनवॉइस इशू करा 5 तारीख को, ठीक है, गुड्स मैंने रेसिपिएंट को अवेलेबल करवा दिए 1 तारीख को, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जिस दिन आपने गुड्स रेसिपिएंट को अवेलेबल करवाए आपको उस दिन तक इनवॉइस इशू करना ही करना है, मैंने किया बाद में, करना कब तक था बेटा, 1 नवंबर तक आपको इनवॉइस इशू करना था, आपने इनवॉइस इशू करा 5 तारीख को, तो बेटा एक तरह से देखा जाए, मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो एक तरीके से देखा जाए तो ये डेट बेटा अब इररिलेवेंट हो गई है 5 तारीख, क्योंकि मुझे इनवॉइस कब तक इशू करना था, 1 तारीख तक, मैंने इशू नहीं करा, तो आप 1 तारीख के बाद जब भी इनवॉइस इशू करोगे वो डेट इररिलेवेंट है बेटा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये डेट अब इररिलेवेंट हो गई है, मुझे 1 तारीख तक जिस दिन गुड्स आपने रेसिपिएंट को अवेलेबल करवाए थे आपको 1 तारीख तक इनवॉइस इशू करना ही करना था, आपने नहीं करा, तो वो डेट बेटा अब हो गई इररिलेवेंट, मतलब वैसे रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम तो आई डी आर विच एवर इज अर्लियर फॉलो करेंगे, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बेटा खत्म है। अच्छा, मेरे क्लाइंट ने मुझे पेमेंट किसके थ्रू करी बेटा, नेट बैंकिंग के थ्रू, तो उसने मेरे अकाउंट में पैसा जमा करवाया 10 तारीख को,
उसका इंटीमेशन मुझे बैंक से मिला 13 तारीख को, तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री 13 तारीख को करी। इनमें से आर किसको माना जाएगा? जो भी पहले है, यानी 10 तारीख को आर माना जाएगा। ठीक है, बताओगे बेटा? अब इनमें से कौन कौन सी रूल क्या फॉलो करते हो? आई 5 तारीख, डी 1 तारीख और आर 10 तारीख, तीनों में से जो भी अर्लियर है। तो कौन सी अर्लियर आ रही है बेटा? 1 नवंबर को क्या माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई? तो बेटा मेरे ख्याल से ना नॉर्मल केस हमने इस लेक्चर में कवर किया है। रूल सिंपल है, टाइम ऑफ सप्लाई होगा आई डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डी ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस और आर विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, ड्यू डेट स्पेसिफाइड है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में, और डी कहता है, ड्यू डेट कहती है अगर गुड्स में मूवमेंट है तो ड्यू डेट होगी फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ रिमूवल, अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो ड्यू डेट होगी डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपियंट। और आर, बेटा आर क्या होगा? डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ एंट्री इन बैंक अकाउंट, दोनों में से जो भी पहले है। इसके अलावा बेटा और कुछ नहीं है। कॉपी करो बेटा। कॉपी कर लो बच्चे। क्लियर हो गया बेटा सबको? चलो बच्चे, इस लेक्चर में बेटा हमने फॉरवर्ड चार्ज का सिर्फ नॉर्मल केस कवर किया है। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ सबको। चलो बेटा, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।